नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 22 पल्ला में, और सामने देख रहे होंगे इधर दूध की शॉप है वीटा, और इधर ठेका है, यानी एक साथ दूध भी लीजिए और शराब भी लीजिए। और यहाँ पर कुछ दिनों पहले खाली ज़मीन हुआ करती थी जहाँ पर ठेका खुला हुआ है, और यहाँ पर प्याऊ और सुलभ शौचालय की मांग की गई थी, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है। यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं उनको टॉयलेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटी बनाने की मांग की गई थी, सुलभ शौचालय बनाने की मांग की गई थी, ताकि लोग आराम से वहाँ पर अपना टॉयलेट कर सके। लेकिन जनता की मांग पूरी नहीं की गई और यहाँ पर ठेका खुलवा दिया गया। हमारे सामने हैं वकील साहब, एडवोकेट कमल सिंह तंवर, जो राजपुर सभा के अध्यक्ष भी हैं, समाज सेवी हैं, और इस एरिया में जो भी समस्याएं होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहते हैं, प्रशासन से जंग भी लड़ते रहते हैं और भ्रष्टाचारियों से भी जंग लड़ते रहते हैं। आपने अभी हाल में देखा होगा, इन्होंने अवैध अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने यहाँ पर सुलभ शौचालय की मांग की थी, प्याऊ बनाने की मांग की थी। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी मांग पूरी क्यों नहीं हुई। सर नमस्कार। हाँ, जय श्री राम। सर, आपने अभी पत्र दिखाया कि आपने यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाने की मांग की थी और प्याऊ बनाने की मांग की थी, ताकि प्यासे यहाँ पर पानी पी सकें और जिनको भी टॉयलेट करना है यहाँ पर टॉयलेट कर सकें, तो मांग पूरी नहीं हुई। नहीं, ये हमने लगभग जून में मांग की थी नगर निगम से कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी। सीवर बूस्टर यहाँ एक तो गलत बना, सीवर बूस्टर, ये पार्क की जमीन थी, पार्क की ज़मीन में सीवर बूस्टर बना दिया गया। अच्छा। और इस खाली ज़मीन पे पड़ी हुई पे हमने जब कहा कि भाई यहाँ एक ये पूरा मार्केट देखते, थाने में बहुत से लोग आते रहते, ये पल्ला थाना है, सामने थाना है, दिखाइए, पल्ला थाना है, आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो हमने एक सुलभ शौचालय की यहाँ मांग की थी, और यहाँ मतलब इल्लीगल वेंडर, पानी के वेंडर बहुत हैं, तो वो 20-20 रुपए में बोतल देते हैं। तो यहाँ हमने कहा था कि एक सरस जल योजना के तहत एक पानी का बूथ बना दें। पानी का बूथ बनाया भी, पर किस कारणों से हटा दिया, शादी से दारू के ठेके को। और ये 30x30 का लॉट है, ये 30x30 का जो RTI से हमें मिला है नगर निगम से, और आप देखिए 30x30 से तो लंबा बना हुआ, और ये जो इसने अलग से कब्जा किया हुआ, ये लगभग आगे भी कब्जा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले नगर निगम ने तोड़फोड़ अभियान शुरू किया था, जो लोग अपना अपना फर्श बना लेते हैं नगर निगम ने उसको तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ तो फर्श भी बना हुआ है और ये किया हुआ है पूरी। और नगर निगम की 100 गज जमीन नहीं यूज कर रहा है, ये कम से कम 300 गज जगह यूज कर रहा, जैसे इधर से ये गैलरी कवर कर ली ऐसे ही पीछे से भी किया हुआ, और इसमें इल्लीगल आहाता चला रहा, पीछे आहाता चला, ये गैलरी कवर्ड है, देखिए बाउंड्री आहाता भी है, इसके पीछे आहाता चला रहा दारू के, जो इल्लीगल है। 30x30 ही लॉट हुआ था। हाँ, ये RTI से आप दिखाइए, दिखा भी दीजिए, पब्लिक देखना चाहेगी, लोग सबूत भी देखना चाहते हैं, हम हर खबर सबूतों के साथ दिखाते हैं। आप देखिए RTI लगाई हुई है, उसमें जवाब दिया गया है। हाँ, ये कीमत दिखाइए, कीमत दिखाइए। 1,20,000 में ये कुल दिया है 30x30 की भूमि, 1,20,360 लीज पर ली गई होगी, रेंट पर लिया गया होगा, एक साल की लीज है। जबकि ये प्राइवेट जमीनों पे लेते हैं तो 1,00,000 रुपए महीने का किराया देते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है प्रशासनिक अधिकारियों की और इस ठेकेदार की। अच्छा, आपने यहाँ पर सुलभ शौचालय की मांग की थी, प्याऊ बनाने की मांग की थी, तो ये मांग क्या देखते हुए आपने की थी? आप देखिए, यहाँ चारों तरफ देखो, मार्केट है, कंजेस्टेड मार्केट है, पूरा चारों तरफ देखेंगे, थाना भी है, यहाँ सिविल डिस्पेंसरी है, इसके पीछे सिविल डिस्पेंसरी भी है, तो यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। जगह खाली थी उस वक्त? हाँ बिल्कुल, ये खाली पड़ी हुई थी, इसके पीछे सीवर बूस्टर है, तो मैं कहा आउटलेट भी उसी में कनेक्ट हो जाता, हमने इससे सुलभ शौचालय की मांग की थी और एक सरस जल योजना के तहत एक पानी के बूथ की मांग की थी। परंतु आप देखिए, अब यहाँ हमारी लेडीज कई बार दूध खरीदती है। आपने पत्र कहाँ लिखा है जो मांग की थी आपने, कोई पत्र लिखा है आपने? हाँ, मैंने DC साहब को भी लिखा था, नगर निगम कमिश्नर को भी। दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए, आपने पत्र लिखा था, कब लिखा था, हर चीज देखेंगे हम। ये तो अभी फिलहाल RTI लगाइए, मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये लिखा है। एक मिनट,
ये मुख्यमंत्री जी इसमें तो क्या है, मैटर क्या है? ये जो स्थानीय पार्षद और माफिया मिलकर जो सरकारी जमीन और इस पे जो कब्जा किया हुआ है इन्होंने सरकारी जमीन पे अवैध जो, और ये इसके लिए लिखा था हमने पहले मुख्यमंत्री जी को लाखों रुपए की जो इन जनसहुई दवाओं पे शराब माफिया कब्जा करके सरकार को भी चूना लगा रही है और जो लोगों को भी वंचित कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत से रिमाइंडर हैं ये हमारे, ये हमने देखा हुआ नर्चर फाउंडेशन हमारा जो एनजीओ है उसमें ये पल्ला चौक पर सीवर बुश की जमीन पर बनाए जा रहे हैं ठेके के लिए, ये 14/7 में हमने किया था, इससे पहले भी किए हुए ये देखिए, ये बिल्कुल बाबा राम केवल जी हमारे सहयोगी यहाँ पर आपने डिमांड किया है, डिप्टी कमिश्नर से किया था, यही चीज देखना है हमें रिगार्डिंग टू बिल्ड द पब्लिक टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर बूथ एट सीवर बूस्टर नियर वीटा मिल्क बूथ पल्ला चौक नियर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपने मांग की थी, इसकी डेट दिखाइए थोड़ा सा। 20/6/2021 यानी कि एक साल हो गया करीब करीब। हाँ एक साल से ज्यादा उसके बाद तो ये बना। बिल्कुल, मतलब जब ये बना दिया गया हमने मांग की बूस्टर के, इसके लिए सुलभ शौचालय बनाए और यहाँ पानी का बूथ बनाया जाए, नगर निगम दे रहा हमें यहाँ शराब का ठेका, तो ये यहाँ पर पब्लिक भी आई है सर, थोड़ा इधर आइए, डरिए मत। अच्छा यहाँ पर एक कह रहे थे सुलभ शौचालय खुल जाए ताकि लोग टॉयलेट जाएं और प्याऊ खुल जाए ताकि लोग प्यासे लोग पानी पी सके, पानी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ठेका खोल दिया प्रशासन, ठीक नहीं है ना, अच्छा किया गलत किया आपने, ये गलत किया है, गलत किया है ना, गलत किया है, यहाँ पर सुलभ शौचालय बन जाता है, आसपास के लोग वहाँ पर टॉयलेट पानी वगैरह प्यासे लोग पानी मिल जाता, लेकिन यहाँ पर ठेका खोल दिया, ठेका गलत खुला है, प्रशासन की और सरकार की ये नीति सही है गलत है ये बताइए? ये गलत है, जहाँ पर सुलभ शौचालय की मांग की जा रही है वहाँ पर ठेका खोल दिया, ठेका खोल दिया वहाँ पर ठेका खोल दिया, आपको लगता है ठेकों में ज्यादा कमाई है? हाँ कमाई है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन यहाँ प्याऊ पानी का इंतजाम होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, गाय के लिए पानी पीने का इंतजाम होना चाहिए, बगल में थाना भी है, हजारों लोग आते होंगे थाने में, हाँ थाने में भी आते हैं, खुले में शौच करते हैं। क्या नाम है सर आप? हाँ जी क्या नाम है सर? हरिदास शर्मा। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। धन्यवाद आप। हाँ सर, पब्लिक भी जो है आपका सपोर्ट कर रही है क्योंकि आपने जो मांग उठाई थी जायज उठाई थी, आप क्या चाहते हैं आप ये बताइए? नहीं हम तो नगर निगम अधिकारियों से यही कहते हैं कि वो जन लोगों को सुविधाएं देने के लिए ना कि कोई प्रॉफिट कंपनी। आपने तो मांग उठाई, ठीक है, यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड 22 है, पार्षद कौन है? पार्षद बिल्लू पहलवान है। उन्होंने मांग उठाई कि नहीं या उन्होंने ठेका खुलवा दिया? नहीं वो तो संरक्षण देते हैं और शायद उन्हीं की सेह पे ये एक्स्ट्रा जमीन भी कब्जाए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनेताओं की और शराब माफिया। आप आइए सर, चलो जो पार्षद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, जनता की सुविधाएं देने के लिए चुने जाते हैं, अब मांग की जा रही पब्लिक टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, ठेका खुलवा दिया गया, तो क्या पार्षदों को ये सब करना चाहिए या सुलभ शौचालय खुलवाते, प्याऊ लगवाते और भी कुछ बनवा देते, चौपाल बना देते यहाँ पर, लोग वहाँ पर छाए में बैठते आराम करते, ये सब करना चाहिए? हाँ तो पार्षदों को यहाँ पर सड़क बनवाना चाहिए, पानी का इंतजाम करना चाहिए या चौपाल बननी चाहिए। ये काम करा के गलत किया? अच्छा किया। ये काम गलत है, इसे बेकार हो रहा है। बिल्लू पहलवान ने गलत किया है, ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक के लिए सुविधाएं आप बनाइए, ठेका आप खुलवा रहे हैं ताकि नशेड़ी वहाँ पर दारू खरीद सके, शराब पी सके। भाई साहब सरकारी चौपाल पे आंगनवाड़ी को बैठा दिया, वो सरकारी चौपाल पे जबरन कब्जा कर रखा है, वो कहती है उससे चौपाल पे कोई बुजुर्ग जाता है वो धमकाती है और उससे कहते हैं तो वो कहती है मैं तो किराया बिल्लू पहलवान को देती हूँ। अब पता नहीं ये क्या है, मतलब जनप्रतिनिधियों को किसने अधिकार दे दिया कि जो मौजूदा सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पार्क बनना था, पार्क की जगह तो बूस्टर बनवा दिया और बूस्टर की जगह हमने कहा कि भाई बूस्टर के साथ ही एक सुलभ शौचालय बना दें, तो वो सुलभ शौचालय की जगह दारू का ठेका बना दिया, तो ये जन सुविधाएं देने की बजाय मेरी ख्याल में कहीं ना कहीं अंदरूनी समझौते करके अपनी सुविधाएं कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, लोगों को नहीं। सैनिटेशन भी देख लो आप, कितनी गंदा पड़ा चारों तरफ, ये तो लोगों को सुविधाएं देने की बजाय अपनी निजी सुविधाएं देख रहे हैं, तो मेरी ये प्रशासनिक अधिकारियों से यही अपील है। अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी जनता भी देख रही है किसने कितना काम किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नेता लोग ठेका खुलवा रहे हैं और भी जगह कब्जे करवा रहे हैं, तो पब्लिक क्या ऐसे लोगों को चुनेगी सर? पब्लिक तो एक वो है, एक बाबा जी ने कबूतरों को सिखाया भाई इनके फरेब में नहीं आना, उन्हें उसने रटा दी, अक्षिकारी आएगा जाल बिछाएगा
और दाना डालेगा, फंसना मत। कई बार फंस जाते हैं लोग हैं तो हाँ, यहाँ बदकिस्मती ये है जो हमारे जागरूक नहीं है वो उस प्रलोभन में या भय में, मतलब भय भी दिखाते हैं, ना केवल प्रलोभित करते हैं, मतलब हर तरह से एक्सटॉर्शन भी करते हैं। तो वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि राजनीति उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया, राजनीति सेवा नहीं है जो सेवा भाव कहते थे। तो अच्छे लोगों को आप क्यों नहीं ले आते? नहीं, मैंने तो इस बार यही मुहिम की है, जब हमारे एक वकील साथी दुग्गल जी के साथ ये मिसहैपनिंग हुई और उन पर झूठा केस बना, तो आज ये बुद्धिजीवी वर्ग, हम लोग बहुत मानसिक दुखी हैं इस बात से कि हम कैसे फरीदाबाद में रह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये संकल्प लिया है सक्रियता से, जो अभी तक हम एक तरफ रहते थे, बस केवल वोट डालने आते थे, तो इस बार सक्रियता से लोगों से यही अपील करेंगे कि अच्छे लोग जिनका हमें नैतिक चरित्र पता हो, समाज में हम जानते, जो निरंतर 5 साल काम करते हो समाज के लिए, उनको आगे लाएं। तो ये मेरी अपील है। यानी जो समाज सेवा करना चाहता है, जो पब्लिक की सेवा करना चाहता है, जो पब्लिक को सुविधाएं देना चाहता है, जो पब्लिक के लिए पार्क, टॉयलेट, सीवरेज सिस्टम सही कराना चाहता है, रोड बनाना चाहता है, गलियां पक्की करवाना चाहता है, उनको चुनाव में उतरना चाहिए और जनता को ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए। भ्रष्ट लोगों को आप मत चुनिए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे पड़े हैं, जो अपने फार्म हाउस बनाकर वहाँ पर आराम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पार्षद हैं फार्म हाउसों में पड़े रहते हैं, शराब की बोतलों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, विलायती दारू पीते हैं, शराब भी ये नहीं मिलेगी उनके पास, उनके यहाँ विदेशी शराब मिलती है, तो वो उनका लग्जरी स्टैंडर्ड देख लो, एक आम नागरिक का देख लीजिए। तो मैं बार बार जो ये कहता हूँ कि इन्होंने राजनीति को व्यवसाय बना लिया है, स्मार्ट बिजनेस बन गया है, तो बुद्धिजीवी वर्ग को जागना पड़ेगा, एक सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी, तभी इनसे निजात पाई जा सकती है, नहीं ये इनका धंधा इस तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल। तो जनता को भी सावधान रहना चाहिए, जो सेवा करना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं, उन्हीं को आप चुनिए, ऐसा वकील साहब का कहना है। और इस अभियान को ये पूरा भी करेंगे, अच्छे लोगों को ये आपकी उतारेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, यही करेंगे आप? हाँ, नहीं, मैंने तो वादा किया है, सुख दुख का साथी में, जिस दिन हमने सेव फरीदाबाद संगठन का गठन किया, तभी से हम एक ट्रू कमिटमेंट के साथ लोगों के साथ हैं, कि हम वास्तव में उनके सुख दुख के साथी हैं, और उनसे उनको राह दिखाने का काम हम करेंगे, और उनके हकों की लड़ाई हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, और जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए हम फ्री में आधी रात भी खड़े होंगे, अपने व्यवसाय के मुताबिक फीस भी नहीं लेंगे, उनको फ्री असिस्ट करेंगे। तो जितने भी जो पार्षद का सपना देख रहे हैं, जो ईमानदार हैं, वकील साहब से संपर्क करें, वकील साहब आपको गाइड भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।